स्वागत बंधन। आज हम दशम कक्षा या शेमुषी द्वितीय भाव के अंतर्गत जो पाठ है उसको पढ़ेंगे और समझें। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाठ है सत्म सौहार्दम प्रकृति शोभा, सद्भाव प्रकृति की शोभा, संवादकम संवादात्मकम यह है और संजाता ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति स्वार्थपूर्णे संलग्ना ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति तेषां जीवनोद्देशम अधुना इदं संजातम् नीचैर सर्वे उपाय फल में साधे। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणाम मध्य में समाजे व्यवहारतम आत्माभिमानम दर्शयम प्रकृति मातु मध्यमे अन्ते निष्कर्ष स्थापित यत् कालानुगुणं सर्वेषां महात्मा भवति सर्वे अन्योन्या आश्रिता सन्ति अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भावयेत। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है जैसे कि इस पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा, जो सद्भाव है वो प्रकृति की क्या है शोभा। यह पाठ में जो दिया है प्रेम और सद्भाव पूर्ण व्यवहार होना चाहिए और यह बोध कराता है ये पाठ कि इस समय हम देखते हैं कि समाज में जो लोग हैं वह क्या हो गए आत्मनिमानी, वे एक दूसरे का क्या करते तिरस्कार करते, स्वार्थ की पूर्ति में वे दूसरों के कल्याण के विषय में जरा भी नहीं सोचते और उनके जीवन का अब उद्देश्य कुछ अलग हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं प्रकृति प्रकृति हरियाली पक्षीगण पशुगण जो प्राणी मात्र आप देखें जब भी हम कोई बाग बगीचे वन में जाते हैं कहीं ऐसे प्रकृति की जहाँ छटा हमको देखने मिलती है बहुत हमारे मन को आनंद देती है और बहुत सुकून देता है और जो प्रकृति की जो शोभा है इसलिए हमें हमेशा इसकी क्या करनी चाहिए रक्षा करनी चाहिए। चलिए जैसे कि हम आपको समझा रहे थे कि अधम उत्तम या अत्यंत अधम सभी उपायों से सफलता मिलनी चाहिए ऐसा व्यक्ति आजकल सोचने लगा, इसलिए समाज में जो आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में आचरित आत्म अभिमान को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। समय के अनुसार सभी का महत्व तो सभी एक दूसरे के क्या होते हैं आश्रित होते हैं, सभी क्या होते हैं दूसरे के आश्रित होते हैं, इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए प्रेम और मित्रतापूर्ण व्यवहार से युक्त होना चाहिए। थोड़ा सा इसका भावार्थ अनुवाद भी समझते हैं। वनस्य दृश्यं समीपे एकैका नदी बहति एकस्य सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत तस्य पुच्छं धुनाति क्रुद्धः सिंह को क्रोध आ गया, वो आराम से कर रहा था विश्राम और एक नदी के किनारे का दृश्य है और प्रतुवीक्षति परम वानप्रस्थ उगत्वा वृक्षमारूढ तदेव अन्यमास मासा वृक्षात् अपरः वानरासिनस्य कर्मा कर्मणा कृत्स्य पुनः वृक्षा वृक्षरोपि आरोहति एवेव वानरः वारं वारं सह दुदन्ति कृतश्रिनो इस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति वानराः सन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दृशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रता कलरवं कुर्वन्ति निद्रा भंगेषु देखेन वनराजा सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मना एतादृश्या दुर्वस्था श्रान्ता।
जंतुन दृष्ट्वा प्रक्षिप्यसे क्रोधेन गर्जयन् वो अहं वनराजः किं भयं न जायते किमर्थं मामेव तुदन्ति सर्वे नीत्वा एका वानर यदि त्वं वनराजः भवतु तो तू सर्वथा अयोग्य तो अयोग्य हो राजा तू रक्षिता पंक्ति राजा तू रक्षा होता परम भवान तू रक्षिका तुम तो रक्षा तो अभी चार सौ रक्षा यहाँ भी समर्थ है नासी तहर कथ कथमाना कथम असान मान रक्षसी कथम असमान रक्षसी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा शब्दार्थ समझिए। धुनाती यानी पकड़ के क्या कर देता है उसको घुमा देता है पकड़कर घुमाना वृत्वा या आंदोलन प्रहर तो मारना मारे तो आरोहण चढ़ गया आरोहण प्रतिमान अन्य मासा अन्य दूसरे से अपर अपर से अपर अपरस्मा कर्ण महाकृष्ण यानी कान खींच कर श्रोतम कर्षित कर्षणम आकर्षित तुरंती तंग करते हैं अवसादयंती स्थित इधर उधर अत तत्र कलरवम यानी चहचहाहट कर्षणाम पूजनम जो नींद टूट जाने के दुख से यानी निद्रा या गमनेन दुखी संयमी उदय होते हुए आत्मना अपनी स्वयस्य श्रातम थका हुआ कलांत स्वर भक्षायाम अपनी रक्षा करने में स्वर रक्षा कही रहने तो यदा कही रहने तो या तदा। आप थोड़ा समझे जो वन का दृश्य है पास में एक नदी बह रही है जो एक शेर है वह सुख से आराम कर रहा तभी जो बंदर है उसकी पूंछ को पकड़कर घुमाता है क्रोधित जो शेर है उसको मारना चाहता परंतु बंदर तो क्या होगा चढ़ जाता है पेड़ पे तभी जो पेड़ से यानी दूसरा बंदर से जो शेर के कान को खींचकर फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार से बंदर बार बार शेर को क्या करता तंग करते क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है डराता परंतु कुछ भी करने में वह असमर्थ है। बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर विभिन्न पक्षी भी शेर की ऐसी स्थिति को देखकर क्या करते हैं प्रसन्नता से युक्त चहचहाहट को मतलब चहचहाहट को करते हैं। आप जब नींद टूट जाने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जीवों के द्वारा अपनी इस प्रकार की बुरी दशा से थका हुआ शेर सभी प्राणियों को देखकर पूछता है क्या पूछता है शेर क्रोध से दहाड़ते हुए अरे मैं जंगल का राजा हूं क्या डर नहीं लग रहा सभी मिलकर मुझे इस प्रकार क्यों तंग कर रहे हो। बंदर क्या बोलता है क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने के तो बिल्कुल अयोग्य हो राजा तो रक्षक होता है पर आप क्या है आप तो भक्षक हो आप क्या और जब भी अपनी रक्षा करने में सक्षम हो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे ऐसा बोलते इस प्रकार
जो दूसरा बंदर है वो क्या होता है? क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति कहावत नहीं सुनी है, जो सदा दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए भयभीत पीड़ित प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह सही रूप में देहधारी मतलब यमराज जीवन का अंत करने वाला है, इसमें संदेह नहीं है, ऐसा दूसरा बंदर कहता है। आगे बढ़ते कौआ, हाँ तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया वास्तव में जनपद का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। कोयल, हंसी उड़ाती हूँ, तुम कैसे योग्य हो जनपद का राजा बनने के लिए? जहाँ कहीं भी काम पाओ ऐसी कर्क सभा से वातावरण को शांत करते हो, ना रूप है ना आवाज है, काले रंग के पवित्र खाने वाले तुमको हम जंगल का राजा कैसे माने? कौआ क्या बोलता है, अरे क्या बोल रही हो, यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या बड़ी गोरे रंग की हो, और क्या भूल गई हो कि मेरी सच बोलने की आदत तो लोगों के उदाहरण स्वरूप है, झूठ बोले तो कौआ काटेगा। इस प्रकार से हमारी मेहनत और एकता संसार में प्रसिद्ध है। और भी कौवे कौवा जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। अपिका, अलम अलम अति विवेक विवेक तथेन वीतिम विस्मर्यते यः काका कृष्णः पिता कृष्णः को भेदः विकापियो वसंत समय प्राप्ति काका पिता पिता काका रे पर्व अहम यदि तब संतति न पालयामि तहे पुत्र पिता अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काका। अब गज गज माने हाथी, जो क्या बोल रहा समीपतः एवागच्छन् अरे अरे सर्व संभाषणम श्रवणेन वाहनम अत्रागच्छम अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च सिंहवा स्यात् अथवा अन्यतो अपि वन्य पशून तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथित्वा मारयिष्यामि किमन्यपो कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी अतः अहमेव योग्यः वनराज पादाय। बानर अरे अरे एवा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विदुः दक्षोरपि आरुह्णि अन्वय काकः कृष्णः पिता कृष्णः पितात्यो गाभेदः वसन्त समये प्राप्ते काकः काका पिता पिता शब्दात् अलं वस् पर्यन्तम् अति विकथनकालेन दीयमानं या आत्मशारभं विषम विस्मर्यते भूल गए अविस्मरणं कृतम् कृष्णा काला श्यामवर्णा पर्णता कोयल पिता है ना तब तुम्हारी अवता संतकम संतान को अपत्यम तहे यस्तो यतदा पिता कोयले पर्णता श्रवणेन वाहनम सुनते हुए मैं भी श्रवणम धन एक धन अहम अकारणम एक अहम अत्रागच्छम यहाँ आया हूँ अत धन आगच्छम तदंतम तम किया जाता हुआ अवसाधयंतम स्वसुंडेन अपि सुन से निजकरणे निज करें पोथित्वा मारिष्यामी पटक कर क्लेश देकर मार डालूंगा पीड़ित्वा हनिष्यामी कोप्यस्ति कोई भी कहा धन अपि धनस्ति विदुर यानी तीज कर या आकर्ष। ठीक है, हलवा समझते हैं कोयल क्या होती बस बस दी के मारने से क्या भूल गए हो कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी कैसी होती है काली होती है। कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली थी। कौआ और कोयल में क्या अंतर है? तो बसंत का समय आने पर कोयल कोयल होती है और कौआ कौआ होता है। कौआ क्या बोलता है, कोयल यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन ना करूं तो कोयल कहाँ रहेगी, इसलिए मैं क्या हूँ करुणावान पक्षियों का राजा बनूं। हाथी क्या बोलता है, पास से ही आता हूँ अरे अरे सारी बातचीत सुनते
जीतते हुए भी मैं आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला बलशाली पराक्रमी हूँ। शेर हो या कोई भी हो, जंगली पशुओं को तंग किया जाता हुआ मैं अपने सूंड से पटक कर क्या करूंगा, मार दूंगा। क्या कोई भी अन्य ऐसा पराक्रमी है, इसलिए मैं जंगल के राजा के पद के बंदर क्या कहता है, अरे अरे ऐसा क्या। शीघ्र ही हाथी की भी पूंछ खींचकर पेड़ के ऊपर क्या होता है, चढ़ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको ये पाठ को पढ़ाया समझाया। इसके आगे का जो भाग है हम क्लास में और पढ़ाएंगे समझाएंगे, तब तक आप इसको लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।